इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी किसी भी पल अपने घर से निकलने वाली हैं, ये आज की बड़ी खबर है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग 18 जुलाई को हो गई थी, आज 21 जुलाई, आज राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती का दिन, गिनती शुरू हो चुकी है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में बैलेट बॉक्सेस खोले जा रहे हैं, गिनती का काम चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सोनिया गांधी की AICC यानी कांग्रेस का जो दफ्तर है, केंद्रीय कार्यालय है 24 अक्टूबर रोड पर, वहां के लिए निकल रहे हैं ये सभी सांसद। हालांकि ये नहीं पता कि ये वहां तक पहुंचेंगे या क्या होगा, क्योंकि वहां पर भी कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कांग्रेस दफ्तर में, और वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां से सभी सांसद, इन्होंने संसद के दोनों सदनों में ये मामला उठाया है और वहां से अपनी बात क्या किया। अब दोनों बसों में, दो बसों में, एक बस आगे चली गई है, कई नेता उसमें बैठे हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं औजला है, इसमें इमरान प्रताप गढ़ी जो नए सांसद हैं राज्यसभा के वो हैं, इसके अलावा मनीष तिवारी हैं, जयराम रमेश जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं वो देख सकते हैं आप इस बस में। इन सभी सांसदों को लेकर ये बस AICC दफ्तर जा रही है और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा। यही आज कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सरकार इंसाफ नहीं करती है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी के विरोध में ये सभी सांसद संसद भवन के अंदर से विरोध मार्च करते हुए बाहर निकले। और अब देखिए इन बसों में, दो बसों में भरकर अब वो कांग्रेस दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के ये सांसद विरोध मार्च करते हुए संसद भवन परिसर से बाहर निकले हैं और इसके बाद दो बसों में सवार हो गए हैं और अब कांग्रेस मुख्यालय ये लोग जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है संसद से लेकर सड़क तक आज कांग्रेस संग्राम के मूड में। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन। पटना की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं सोनिया गांधी के समर्थन में। बार बार कांग्रेस की तरफ से यही बात दोहराई जा रही है कि दरअसल विपक्ष को खत्म करने की ये साजिश है केंद्र सरकार की, केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल खड़ा करती हुई कांग्रेस पार्टी। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पटना में सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वहीं दूसरी तस्वीर संसद भवन परिसर से मार्च करते हुए बाहर आए हैं कांग्रेस के ये सांसद और अब बस में सवार हो चुके हैं। दो बसें जो पहले से ही यहां संसद भवन परिसर के बाहर मौजूद थी, अब ये कांग्रेस के सांसद बस में सवार होकर कांग्रेस मुख्यालय के लिए निकले हैं। सीधे आपको कांग्रेस मुख्यालय लेकर चलते हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, किस तरीके की गहमा गहमी बढ़ती हुई कांग्रेस दफ्तर पर अब? बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने नेता हैं वो सभी इकट्ठा हैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। ये सामने सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, आदर्श इधर दिखाएं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर नेता सभी खड़े हैं अपने हाथ में तख्ते लेकर के, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। और ये सभी सोनिया गांधी के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। मैं बता दूँ आपको कि तमाम बड़े बड़े नेता हैं, अभी अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कुछ देर बाद जैसे ही सोनिया गांधी निकलती हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर जाने के लिए, जो कि हमें बताया गया है कि मिसेस गांधी कांग्रेस दफ्तर आकर के यहां से नहीं जाएंगी बल्कि 10 जनपद अपने निवास जो कि ठीक बगल में, यहां से आदर्श दिखाएं, ये जो लाल रंग की दीवार आपको दिखेगी ठीक इसके बगल में 10 जनपद उनका निवास है जहां से होकर के सोनिया गांधी निकलेंगी ईडी के दफ्तर में। बताया जा रहा है 5 मिनट में, बहुत ज्यादा समय नहीं, अब उनको निकलने का जो समय बताया गया था उसके मुताबिक 12:45 बजे तकरीबन ईडी दफ्तर पहुंचने की उनकी संभावना है। तो अभी कांग्रेस के मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा है, नेता यहां पर आए हुए हैं जो सभी सोनिया गांधी के साथ ईडी के दफ्तर तक मार्च करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही जान लीजिए कि 11:45 वो वक्त है जब सोनिया गांधी को पहुंचना है ईडी दफ्तर सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुल मिलाकर दिन की दो बड़ी खबरें जिस पर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सोनिया गांधी बस अपने घर से निकलने ही वाली है ईडी दफ्तर के लिए और साथ ही साथ वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, कौन बनेगा राष्ट्रपति ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।